किशन का सिंबल है, भेजने में एक सिंबल है। कम समय में बड़ा निर्णय लेना था। गोरखपुर में एक इतिहास आपने 2018 में रचा था। हमारे निवेदन को स्वीकार की थी जनता ने गोरखपुर के, और उन्होंने इंजीनियर प्रेम साहब को जिस तरीके से दिल्ली में जिताकर भेजा था, तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि डॉक्टर संजय तुम्हें बिना चुनाव लड़ाए उच्च सदन में भेजने का काम तुम्हें किया जाएगा, अपने क्षेत्र का विकास करने का। तो वो आपके दिन में अगर यहां का वोट कम हो गया तो हम लोग किस मुंह से योगी मोदी जी से बात कर सकते हैं? बोलो भाई, वोट कम होगा कि पूरा होगा? बोलो भाई, उठाकर बोलो, कम होगा कि पूरा होगा? मैं गारंटी दिलाता हूं, राम राम भाई हमारे दुश्मन नहीं है। मैं गारंटी आपके बीच में दिला रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उधर भारतीय जनता पार्टी मिलाकर कांग्रेस बुलाने का काम डॉक्टर संजय करेंगे। साइकिल दिल्ली जाने वाली नहीं है, हाथी दिल्ली जाने वाली नहीं है। तो समय खत्म हो गया, जैसे ही हमारा 18% वोट निषाद पार्टी का अलग हो गया, साइकिल भी पंचर हो गई और हाथी भी बैठ गई, खत्म हो गया। ये लाठी और हाथी दोनों अलग अलग हो गए, बीच में बच गए 786 बेचारे। लेकिन मोदी जी ने जब घर दिया तो जाति नहीं पूछी, मुसलमान को भी घर मिला कि नहीं मिला? हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, मिला कि नहीं मिला? शौचालय मिला कि नहीं मिला? इलाज करने की आयुष्मान भारत की योजना मिला कि नहीं मिला? आगे नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब जब से कमल आया हुआ है तब से हमारी दाढ़ी सुरक्षित है कि नहीं है? देश का दंगा बंद हो गया कि नहीं हो गया? 30 साल से हाथी और साइकिल दंगे कराकर हिंदू मुसलमान करके गरीबों का गला कटवाती थी, क्या 3 साल में कोई दंगा हुआ क्या? हाथ उठाकर बोलो, हुआ क्या? हुआ? हाथ हिलाओ ऐसे, हुआ क्या? अगर नहीं हुआ दंगे बंद हो गए। मैं आपके बीच में एक अपील करने आया हूं, आपके वोट से आपके बेटे का भविष्य बनेगा। ये जंगल बर्तन के क्षेत्र नहीं, कंपेयर के क्षेत्र की जनता है। कवि वीर बहादुर सिंह इसको सींचे थे, दोबारा आप दो बेटे आपके बीच में आ गए हैं, माननीय फतेह बहादुर सिंह और डॉक्टर संजय दोनों ये दोनों हैं। और तीसरा आपका एक होनहार बेटा डॉक्टर संजय का बेटा इंदिरा कवि निषाद, वो आपका बेटा है। तीन दो सांसद जाएंगे और एक मंत्री भी आएंगे, हम लोग जीत कर इसे हरा भरा करने का काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कैसे धन लाना है, कैसे योजना लाना है, कैसे आपकी गरीबी निकालना है, कैसे सड़क बनाना है, कैसे यहां से काम करना है, कैसे हमारे देश में आपको न्याय दिलाना है, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां के जनता का विकास विश्वास चाहिए, आपको और चाहिए, आपको सहयोग चाहिए। कैसे आपने आपको दिल्ली भेजा है तो आपके दिल्ली से सारी योजना को लाकर आपके तारा भी पर पहुंचाने का काम हम दोबारा में करेंगे। और एक बिरादरी की बात छोड़ दो, किसान हमेशा तबाह रहता था, यही हाथी और साइकिल 30 साल से थी। बोलो भाई, आपके क्षेत्र के कितने दरोगा हुए, कोई पुलिस हुआ? बोलो भाई, 30 साल से ही थे ना? बोलो भाई। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि अब आपके क्षेत्र से दरोगा भी होगा, सिपाही भी होगा, कर्मचारी भी होगा, सबके साथ मिलेगा। आज के बाद यहां न्याय नहीं होगा, अब कोई पुलिस और कोई अधिकारी कर्मचारी तांडव नहीं मचाएगा। साहब तो थे ही थे मंत्री जी, और डॉक्टर संजय भी आ गए हैं, पूरा न्याय मिलेगा। और जाकर अपने नात रिदार से आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला, कहने का अवसर मिला, और उन्होंने बस्ती में बोला था कि आज तो संजय पहले इंजीनियर प्रवीण साहब को जिता कर दिल्ली में लाओ, मंत्री मैं उसे बनाऊंगा, कैबिनेट मंत्री मैं बनाऊंगा, तो भारत मान चल जाता है। अभी कल वो मिले थे हमसे मिर्जापुर में, उन्होंने कहा निषाद जी पहले दिल्ली आओ, फिर दिल्ली से कुछ ले जाओ अपने समाज से। आप बोलो भाई, 70 साल में आपका प्यार और स्नेह
आपका गोद में खिलाने वाला छोटा सा बेटा इस जमीन से जंगल के किनारे पैदा होकर इस देश की अदालत दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राष्ट्रीय पार्टी के साथ आपके क्षेत्र की जनता का लगाव अगर दिल्ली में मैंने पहुंचा दिया है तो दिल्ली से जो सीधे योजना आपके घर वाले कराएगी कैसे आएगी आप रहेंगे आप मंच पर आ जाओ सारे सम्मानित प्रधान सारे पीडीसी जिला पंचायत जितने भी सम्मानित साथी हैं वो सारे कानपुर में हो चाहे वर्तमान में हो और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण मैं आप लोगों को पुनः बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम 24 घंटे के अंदर कल मैंने सूचना दिया माननीय मंत्री जी कहे अरे यार बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कहीं कम संभाल गई तो उल्टा हो जाएगा मैंने कहा हम लोग उलट पलट करने वाले हैं सत्ता को उलट के सत्ता लाने वाले होंगे परेशान मत होइए नाम आपका काफी है और डॉक्टर संजय का भी नाम काफी है जनता अपने आप आने वाली है यहाँ तो हमारे लोगों ने हमको चंदा देकर हमें पैसा देकर आपने रसीद कटा कर इस पार्टी को चलाया है और जंतर मंतर घेरने वाली हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है जो जाकर एक समय था मेरे कहने पर दो तीन महिलाएं जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री को घेरी थी और उन्होंने कहा था देश के मजदूरों और गरीबों के लिए कानून बनना चाहिए और 37 योजनाएं आई थी लेकिन बेमान अधिकारी लखनऊ में दिल्ली में बैठे आपका हिस्सा खा रहे थे लेकिन इस बार डॉक्टर संजय नहीं था किसी अधिकारी को कुछ कर सकता था इन महिलाओं को मैं भरोसा दिलाता था मजदूरों को भरोसा दिलाता था कि एक समय ऐसा आएगा कि एटीएम कलेक्टर तुम्हारे दरवाजे पर हाथ मोड़कर तुम्हारा हिस्सा पहुंचाने के लिए जाएंगे और वो समय आया है कि अगर मैं मोबाइल मिलाता हूँ तो उधर से डीएम साहब और एसपी साहब को मोबाइल काट कर उधर से मिलाकर हालचाल पूछते हैं और आपके समस्या का समाधान करने के लिए काम करते हैं ये छोटा काम नहीं बहुत बड़ा 70 साल से हमारी ये मछुआ समुदाय तेरी बड़ी लोहार कहाँ पार गई केवट मल्ला मौर्य राजभर ये जो गांव में बसने वाली जातियां थी ये गरीब नौजवान किसान थे इनके लिए कोई काम नहीं किया था जय जवान जय किसान का नारा था जवानों के लिए किसी ने नहीं किया था उन जवानों का सीने अगर चौड़ा किया तो नरेंद्र मोदी ने किया और कहा जवान अपने सर पर नहीं कटाना है बल्कि सर काट लाना है और देख लो आतंकवादी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है मुसलमानों ने भी कूप उठाया कि नरेंद्र मोदी जहां भी आतंकवाद होता है उसे पूछ कर दो और देख लो नरेंद्र मोदी ने जाकर पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाने आया कि आतंकवाद अपने आप खत्म होगा और किस तरीके से शांति आ गई मैं कहता हूं अगर मुसलमानों के अंदर उनके घर दूर किया मुसलमानों के अंदर अगर उन्होंने शौचालय दिया मुसलमानों को उन्होंने इलाज के लिए दिया किसान को उन्हें भी दिया अगर ये मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो सभी जाति सभी धर्म सभी गरीबों के लिए काम किया जिनका छूटा हुआ है जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो मैं गारंटी लेता हूँ और माननीय मंत्री साथ में है उसका नाम बना कर उसका काम किया जाएगा उसका मकान हम लोग बनाएंगे उसका नाम हम लोग बनाएंगे उसका इलाज हम लोग कराएंगे और उसके बेटे को व्यापार रोजगार हम लोग करवाएंगे स्पेशल पैकेज जमीन से हम लोग लाएंगे अपने क्षेत्र का विकास के लिए लेकिन आपका आपका साथ चाहिए सबका साथ सबका विकास होगा तो आपको केवल वोट डालना है बाकी काम हम लोगों का है करेंगे उस लायक हम लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आज भले वो हो रहे हैं अगर इतना किया तो आगे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा अगर मान सम्मान सहमान हम लोगों का लगा है कि नहीं लगा है वो लगा नहीं लगा है कि डॉक्टर संजय गोरखपुर का है यहाँ फिर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह मंत्री गोरखपुर के हैं इन्होंने जाकर इंजीनियर प्रवीण निषाद को रात दिन करके अगर संत कभी नगर में प्रचार करके उन्हें जिताया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज कंपेयर में जितना वोट पाता रहा है उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट दो तब माना जाएगा निषाद पार्टी का योजना है मैं देने में तैयार होने तैयार हूँ आज उड़ा दिनों में देने में तैयार होने तैयार हूँ बोलो भाई अगर देने के लिए तैयार हो एक बात मैं कहूंगा अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा आज कभी यही जगह था हम लोगों के सामने इस क्षेत्र में उसके बाद जैसे ही सरकार बनती है
तो राम भुवाल भाई भी हम लोगों के साथ आने वाले हैं, आज ही आपको बता रहा हूं। कैसे आए हम जानता हूं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन साइकिल है। कौन है? कौन है? पंचर किसे करना है बोलो भाई? मोहरा बनाए गए बेचारे राम भुवाल भाई, मोहरा बनाए गए अमरिंदर निषाद। आज के दिन में सरकार सब कुछ देती है, सरकार सब कुछ देती है। साइकिल को देना होता तो 30 साल से हाथी साइकिल दिया, हमारे लोगों को कुछ बनाया क्या? देखो कैबिनेट मंत्री बनाया क्या? आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने देख और संसदीय क्षेत्र का हिस्सा कैंपियरगंज 320 विधानसभा में आए हुए हमारे सभी ग्रामवासियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हम लोगों के 25-30 वर्षों से पुराने संबंध रहे और हैं। निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित उनके साथ हमारे पीपीगंज काउंसिल चेयरमैन गंगा जायसवाल जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख कैंपी जा रहे, क्योंकि मैं भानुमाली दो सभा कर चुका था, जंगल बपन में सभा करके ही मैं गया हूं अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले। रविकिशन जी आए थे और भारी संख्या में ग्रामवासी आकर के आशीर्वाद देने का काम किए। मैं अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, खासतौर से अपने निषाद पार्टी के लोगों से, जो हमारा भाई छोटा भाई प्रवीण निषाद, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देकर के खलीलाबाद से एमपी का दावेदार बना करके वहां चुनाव जिता दिया, वोट पड़ गया और वो सांसद बन गए, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे प्रवीण भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई हमारे बेटे को एमपी बनाने का काम करती है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने, फुलायन सिंह यादव ने, मायावती ने प्रवीण निषाद का टिकट काट दिया, इनको सम्मान नहीं दिया, जिस निषाद पार्टी ने पूर्वांचल की तरफ निकालने का काम समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पिछले वर्षों किया, क्या आप जवाब नहीं देंगे उन्हें इस तारीख को? क्या ये जवाब देने के लिए आए हैं कि नहीं आए? हमारे निषाद भाई, ये जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे? इस तारीख को जो निषाद के साथ अपमान अखिलेश यादव ने किया, दो दो बार हमारे संजय भाई को अपने आवास पर बुला करके कहा कि आपको मैं सम्मान दूंगा और एकदम सम्मान नहीं दिया, टिकट से दूर बात करने से इनकार करने का काम किया, उसने तो अपने बाप का जो नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? मुलायम सिंह को, मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा करके बोलना कर दिया, जीते जी मुलायम सिंह यादव मर गए, अब अखिलेश यादव का कितने दिन अस्तित्व है ये आने वाला समय बता दे। श्रीपाल यादव, श्रीपाल यादव क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी तो कोई बहन है नहीं, लेकिन मायावती हमारी बहन बात हो गई, हम हरी और कौन जाते हैं, अखियों ने बनवाए हैं।
आपकी बुआ जी कहां से हो गए? कहां राजनीतिक बुआ है? हमारे गरम पर्व तो हम दादा बना ले, गरम नए पर्व तो हम केकर नहा थे। यह अखिलेश यादव का और उस पार्टी का काम है। मैं आह्वान करने आया हूं अपने निषाद भाइयों से और मैं दावे के साथ कहता हूं कंपियागंज विधानसभा में मैं निषादों पर नहीं हूं। निषाद समाज के लोग मुझे अपना भाई मानते हैं और इसलिए भाई मानते हैं कि उनकी सेवा करने का काम हमारे पिताजी से लेकर का हमने अपने जीवन काल में उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं, हमेशा सहयोग किया। 1,20,000 वोट अगर मिलता है तो बड़ी संख्या में वोट निषाद भाइयों का होता है, मुझे नहीं मिलता। मैं तो निडी हूं आपका और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। निषादों को पट्टा देने का काम 1983 में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने किया था, याद करने वाले। जब ये पुल बन जाते थे, नाव खेलने का एक रोजगार था आपके पास कि किसी तरह नाव खे करके हम 4 पैसा कमा लेगा निषाद भाई। हमारे पिताजी ने सोचा भौरावाड़ी पुल बन गए और कमौरा बन गए, हमारे निषाद भाई क्या करिए। उन्होंने एक शासनादेश किया, आपके पास होगा, कि आने वाले समय में जो भी पट्टा होगा बालू का खनन का वो केवल निषाद परिवार को ही मिले, ये शासनादेश किया। हम संजय भाई से भी आज कहूंगा, अब सरकार के आप भागीदार हैं, सहयोगी हैं, दबाव देकर के उस शासनादेश को बाहर कराने का काम निषाद पार्टी को करना चाहिए आने वाले समय में। ये जितने पुल बनते जा रहे हैं ये निषाद भाइयों का रोजगार चला जाता है, हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी। पटिदाइयों में जगह निकल रही है, हम लोग प्रयास करेंगे दोनों मिलकर के भाई कि ज्यादा से ज्यादा गरीब निषाद और पिछड़ी जात के लोग, हर समाज के गरीबों को उस पटिदाइयों में जब जगह निकले तो उनको रखवाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग इस प्रयास में हैं और मछली गांव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनने जा रहा, जिसकी भारत सरकार ने तो स्वीकृति दे दी है लेकिन जमीन न मिलने के कारण अभी उस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जिस दिन जमीन मिल गई उस दिन 200 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस मछली गांव बेल्ट में लगने जा रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां की जनता। और मैं रास्ते में आदरणीय संजय जी से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा 25 एकड़ हमारे कंपियागंज में गन्ना विभाग की जमीन पड़ी है खाली, उसी में वो जमीन अलाट करा दिया जाए तो एक बड़ा उद्योग कंपियागंज की धरती पर बन जाएगा और वो निश्चित रूप से यहां के गरीब और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उसमें एक शर्त रखी जाएगी कि 30% बेरोजगार लड़के कंपियागंज से रखने का कोटा उसमें होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जमीन देने का काम करें। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो आप सबका कर्जदार हूं कि आप सबके आशीर्वाद से जब भी मैं चुनाव लड़ा जैसे भी लड़ा भारी मतों से आशीर्वाद देने का काम आप करते हैं। और आज ये जो सड़कों का जाल आप देख रहे हो कंपियागंज से मछली गांव 7 मीटर चौड़ी, कभी किसी ने सोचा था कि भौरावाड़ी का पुल भी बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि हमारे जंगल दर्पण में कई गांवों में बिजली नहीं थी, बिजली देने का काम हमने किया LNT के माध्यम से। हमने गांव में पिछले 5 वर्षों में बिजली मोबाइल चार्ज नहीं होता था आपका नौजवानों, आज बिजली 18 से 20 घंटे आपको गांव में मिल रही है, ये किसकी देन है? परंतु मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की देन है, आदरणीय मोदी जी की देन है। और मैं कहना चाहता हूं निषाद भाइयों से, सब समाज के लोगों से, कि एक एक वोट 19 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा करके आप इस बात को साबित कर दीजिए कि जो अखिलेश यादव ने गठबंधन ने जो हमारा
तिरस्कार किया निषाद पार्टी का, उसका जवाब 19 तारीख का वोट कमल के सामने डाल करके हम बता दें कि हम आदरणीय संजय जी का सम्मान करते हैं। आज ये केवल फतेह बहादुर सिंह का सम्मान नहीं है, अगर वोट संसद में कम मिला और हर गांव की स्थिति पता है, कहां निषाद है, कहां यादव है, कहां मुसलमान है, मैं बंजारा टोला के लोग भी आए हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाइयों, आप लोगों का सुख दुख मैं देखता हूं, अब की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं सुना हूं अभी आधे में है, हम लोग आधे में ही है, आधा और बढ़ाइए। हमारे पास डेली सूचना आती है गांव की, हमको हमसे कुछ छिपता, हर गांव में 20-20, 30-40 लोग निजी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं चलेगा। मेहनत और करिए आप लोग, आप सब लोग मेहनत करिए, जो प्रतिष्ठा लगी है, निषाद पार्टी का भी मान सम्मान है, और निषादों की संख्या कैंपियरगंज में लगभग 70,000 की संख्या में है, और अगर निषादों ने ठान लिया जो कि ठान चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। आपका प्रवीण निषाद को तो जिता दिया हमने, और आप हमारे रवि किशन को जिता करके भेजिए, बाकी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की है, हम दोनों मिलकर के आपकी सेवा करेंगे, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद, फतेह बहादुर सिंह निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय फतेह बहादुर सिंह जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद।